फ्रेंड्स हमें हरिद्वार में, और सुबह सुबह इतने सारे मोर पहली बार देखे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, पर इतना फोकस नहीं है, थोड़ा ये जंगल सा है यहाँ पे जहाँ हम रुके हुए हैं, उसके साथ ही ये सारे बहुत सारे मोर यहाँ पे हैं, कोई पेड़ पे है, यहाँ से नज़र नहीं आएगा, और ये तो एक साथ ही बैठे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे, ये मोर इतना बड़ा पंख है इसका, अगर इसने खोल दिया ना, देखो कितना बड़ा मोर नाच, ये बड़ा खूबसूरत सा मोर, वाओ अगर इसने खोल दिया ना पंख कितना सुंदर लगेगा, इसके पंख कितने सुंदर है और कितना प्यारा है। के हो गए हम फ्रेश और अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, फिर और सब रेडी, और मौलू सानिध्य भाग्य ये सारी ये अनमोल चले फिर चलो, वेट काउंट करो अपना अपना, सौ चलो चलो चलो। हेलो 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 गाइस, हम लिफ्ट में फंस गए, नहीं फंसे अभी तो हमने शुरुआत ही नहीं की, ये गए नीचे नीचे आ रहे हैं, चले फिर। ये जगह थी रिसेप्शन, और ये और हम अपना बैग लिफ्ट बैग में भूल गए यार, लिफ्ट में बैग भूल गए, जय श्री राम। ये मंदिर सुबह 5 बजे के करीब यहाँ पूजा हुई है, रात को शंख की आवाज़ आ रही थी मंदिर की, ये लेके आए अभी, लिफ्ट में ही भूल गए थे, चले फिर। हम जा रहे कनखल की तरफ, और ये नेशनल हाईवे, ये सुंदर नजारा, जय भोलेनाथ, और ये हर की पौड़ी गंगा मैया की, वो ऊपर मनसा देवी है टॉप में, पढ़ती कैसे बोले तू, और इनको चारा खिलाया जा रहा है अपने हाथ से गौ को, ये तो इतनी सारी है ना, एक को चोटी वाला है यहाँ का फेमस चोटी वाले, ये मुझे बोल रहे हैं कि इससे गले मिल ले, तो क्या गले मिलने में क्या है, चलो 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 ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लग रही है, चलें चलो फिर चलते हैं ना, क्या क्या हाँ अच्छा था, ये घूमोगे, आसन ग्रहण कर लिया स्थान ग्रहण कर लिया इन्होंने, स्थान ग्रहण कर लिया, हैंड वॉश करके आते हैं दोनों, चलो चलो। और अभी हम 13 दिन में रुके हुए हैं अपने दीदी के घर पे, और ये व्यू है उनके घर से, बहुत ही अच्छी जगह है, नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल, उनका घर भी बहुत सुंदर है, और हम यहाँ पे कुछ 1-2 घंटे के लिए रुके थे, हमने यहाँ पे लंच किया और उन सबसे मिले, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। यहाँ जीजा जी के साथ बैठकर हम लोग गपशप कर रहे थे, और ये बच्चे भी लगे हुए हैं चाय का आनंद लेने, और
ये संगीता ने शूट किया है सामने से। ये जो दीदी है नीना दीदी, ये संगीता के बड़े पापा की बेटी है। होने वाला है अभी, और हम हैं विकास नगर वाले रूट पे। प्यारा सा व्यू देहरादून और विकास नगर के बीच का, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। ये है, ये साइबेरियन बर्ड्स है जो यहाँ आजकल आए हुए हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे बर्ड्स हैं जो आए हुए हैं। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे बोटिंग होती है, और हम भी बच्चों को लेके आए थे अभी 2-3 साल पहले इन सबको। और तब ये चारों ही बच्चे थोड़े छोटे हुआ करते थे, और अब 4 साल में बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं ये। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, आप काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी यहाँ आकर कुछ। यहाँ पे है ये कैमल, क्योंकि हमारे एरिया में नहीं होता, ये राजस्थान में होता है और या जू में होता है। तो यहाँ पे बड़ा सजा हुआ है, अब पता नहीं कहाँ के लिए। पोंटा साहिब, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था सनसेट का, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा। अब हम जा रहे हैं नाहन की तरफ, यहाँ बल्कि रास्ते में मेरे भैया भाभी भी रहते हैं धौला कुआं में, लेकिन हमने उनको कॉल नहीं किया क्योंकि एक तो हम लेट हो रहे हैं आज, उनके पास रुक नहीं सकते, और फिर अगर पहले बता देते तो बच्चे बहुत इंतज़ार करते हैं, फिर वो बार बार कॉल करते हैं, फिर ऐसे ही उनका दिल दुखाने के लिए, क्योंकि हम रुक भी नहीं सकते थे। तो हमने अभी तक कॉल नहीं किया है, पर मैं भाभी को कॉल करूँगी फिर कि हम निकल ही रहे हैं। और सानिध्य को छोड़ना था नाहन हॉस्टल, लेकिन इसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको भी हम साथ ही लेके जा रहे हैं, एक दो दिन में वापस छोड़ देंगे। अंधेरा होने वाला है और अभी हम नाहन भी नहीं पहुंचे। हम पोंटा और नाहन के बीच में रुके हैं यहाँ पे, ये लोग भी हमारा वेट कर रहे थे यहीं पे, ये थोड़े पहले आ गए थे हमसे। ये देखो इसको क्या सूझ रहा है, ये जगह है मार्कंडे ब्रिज, खजुरना जैसी जगह कोई ऐसा कुछ है। यहाँ पे थोड़ी देर फ्रेश होंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद हम जा रहे हैं चंडीगढ़। हम बोल रहे हैं कि आज साथ ही चलो सब लोग, लेकिन भैया को कल वापस अपना छुट्टियां ख़त्म है इनकी, कल इनको ज्वाइन करना है ड्यूटी अपनी। और सनीते को हम साथ ही लेके जा रहे हैं चंडीगढ़, थोड़ी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर जुदाई में रो रहे ठंड कैसी यहाँ पे? वैसे हरिद्वार में नहीं लगी थी ठंड, है ना? हाँ, देहरादून में तो काफी ज्यादा। हाँ, ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। आज तो तुम्हारी ड्रेस भी सेम है ना, दोनों की ब्लैक पैंट है और ये रेड सा टॉप है, अब देख रहे हो। ये बच्चे भी उदास हो रहे हैं क्योंकि इनको भी अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। बाय बाय। हाँ, परसों आते हैं, है ना? ठीक है, बाय मालू, बाय बाय बाय। और
ये लोग सोलन निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़। अब क्या हुआ सारिष्ट? बुरल जुदा हो गए? कोई नहीं, दो दिन के लिए हैं, परसों फिर मिल जाएंगे, है ना? सच में? हाँ। गुन्नी बा को कौन छोड़ेगा फिर? हम ही छोड़ेंगे। छोड़ के फिर वापस सोलन घूम के जाएगी बुरल। देखते हैं कैसे रहता है। हम चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं। हमने पंचकुला में एंटर किया है। यहाँ पे पता नहीं क्या प्रैक्टिस कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ। और शायद रूम मिल गया है, सानिधि आया है अभी और ये गाड़ी लगा रहा है। अभी अच्छी ड्राइविंग कर लेता है लेकिन इसको हम ज़्यादा देते नहीं हैं क्योंकि अभी इसका लाइसेंस नहीं बना है, तो थोड़ा बहुत ही इसको गाड़ी मिलती है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पहले परफेक्ट हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस इसके हाथ में हो। लेकिन ये काफ़ी परफेक्ट हो चुका है अपनी अपनी ऐसी जगह पे ये गाड़ी लगा रहा है जहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी लगाने की जगह है। पापा भी आ गए इसके। और फाइनली हमें मिल गया है यहाँ पे रूम। ये वही जगह है हिमाचल गेस्ट हाउस से, ये जो पीजीआई आते हैं अपने फॉलोअप के लिए उनको यहाँ पे रूम्स मिलते हैं। ये हिमाचल सेवा सदन, ऐसे दो, ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है और मैं आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग्स में भी दिखा चुकी हूँ। मोस्टली हम लोग यहीं आते हैं क्योंकि अभी भी हम अपने फॉलोअप के लिए ही आए हैं, तो फिर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी 10 बज गए हैं और अब थक भी बहुत गए हैं क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो आपको कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।